किडनी रोगी अब ना हो परेशान, क्योंकि विश्व विख्यात होम्योपैथी डॉक्टर दिनेश मोहन ने बिना ऑपरेशन ढूंढ निकाला है किडनी रोग का सफल इलाज। डॉक्टर दिनेश मोहन वैसे तो एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन साल 2001 उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया जो किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ। दरअसल साल 2001 में डॉक्टर दिनेश मोहन की माताजी की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से हो गई थी। बस यही दुख का पहाड़ डॉक्टर दिनेश मोहन को हृदय रोग विशेषज्ञ से किडनी रोग विशेषज्ञ भी बना गया। डॉक्टर दिनेश एक ऐसे अमूल्य चिकित्सक हैं जो किडनी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज करते हैं। अब इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य किडनी रोगियों को नया जीवन देना है, और इस उद्देश्य को पाने में उन्हें भारी सफलता भी मिली है। यही वजह है कि प्रमुख अखबारों में उनकी सफलता के किस्से प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर दिनेश जी का अंबाला में मोहन होम्यो क्लिनिक भी है, जहां हृदय रोग व किडनी की गंभीर से गंभीर बीमारियां होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर मोहन का मानना है कि किडनी का गंभीर से गंभीर रोग भी आसानी से ठीक हो सकता है, आवश्यकता है तो बस हौसला रखने की। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किडनी रोग का सफल इलाज में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको बताते हैं कैसे आप अपने किडनी रोग का इलाज प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हर बार की तरह आज फिर से स्वागत करना चाहूँगी हार्ट एंड किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश मोहन जी का, जो आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब भी आप स्टूडियो में आते हैं हम किसी ना किसी की मेल लेकर, प्रॉब्लम लेकर आप सभी के सामने मौजूद होते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। चलिए मेल पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ये मेल हमें भेजी है राधेश्याम जी ने, जिनकी एज है 39 ईयर्स, ये सिरसा हरियाणा में रहते हैं। इनका सवाल है, मेरे गुर्दे सिकुड़ गए हैं, पिछले 3 महीने से PGI चंडीगढ़ से डायलिसिस चल रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है, एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी तकरीबन 200 mmHg होता है। अब इनका सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक इलाज से मेरे सिकुड़े हुए गुर्दे ठीक हो जाएंगे? दूसरा सवाल, डायलिसिस कितने दिन में बंद हो जाएगा और क्या ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा? तीसरा सवाल, मुझे खून बढ़ाने का इंजेक्शन हर डायलिसिस पर लगवाना पड़ रहा है, क्या आपकी मेडिसिन द्वारा खून बन सकेगा, बताइएगा। सभी व्यूअर्स को मेरा विनम्र नमस्कार। मैं किडनी फेल के सफल होम्योपैथिक इलाज के बारे में आज अपने वर्षों के अनुभव, अपना दृढ़ आत्मविश्वास आज आप सबके साथ बांटने आया हूँ। देखिए राधेश्याम जी, आपने ये जो ईमेल मुझे भेजी है कि आपको 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की हीलिंग डायनामाइट्स की ये जो हमारी गोलियाँ हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म नज़र आने वाली, ये आपको किडनी फेल का जो आपको घोषित किया गया है, आप किडनी जो ख़राब हो गई है उसको फिर से चंगा करने में पूर्णतः सक्षम है, ऐसा मैं, मेरा मानना, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास, ऐसा मेरा आत्मविश्वास मैं आज आपको के साथ बांटने आया हूँ। देखिए, आपने बताया कि आपके गुर्दे सुकड़ गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी 2 किडनीज हैं, 2 में से 1 किडनी स्पेयर पार्ट है, उसको निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किडनी से भी आप 100 वर्ष जी सकते हैं। किडनी एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है हमारे शरीर का। अभी मैं हमारे एक किडनी किडनीज के अंदर 2 करोड़ 40 लाख करीबन छलनियाँ, ऐसे विश्व के रिसर्चर्स ने पता लगाया है, होती हैं। ये छलनियाँ हमारे खून को छानती हैं। इसमें से केवल 20% छलनियाँ ही स्वस्थ मनुष्य में काम करती हैं, बाकी 80% इनएक्टिव रहती हैं। वो एक्टिविटी में तब आती हैं जब कुछ किडनी डैमेज हो जाए, तो वो एक्टिव होती हैं। अब देखने में आया कि कितने वर्षों से पेशेंट को पता ही नहीं लगता किडनी ख़राब होगी, आके पता लगता है हॉस्पिटल में, अरे तो किडनी बिल्कुल डेड होगी, अरे मुझे पहले तो कभी पता ही नहीं लगा। वो रिजर्व पावर ऑफ द किडनी जो है, किडनी की जो शक्तिशाली, उसके अंदर शक्ति छुपी हुई है, वो बहुत वर्षों तक आपको पता ही नहीं लगने देती। ये किडनी जो कि कितना शक्तिशाली अंग है, उसको
इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये, हमारे शरीर में से जितना गंदा मादा उसको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते निकाल देती है। इसको होम्योपैथी की दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने बताया कि आपका बीपी हाई रहता है, बीपी को कंट्रोल करना किडनी का एक में महत्वपूर्ण कार्य है। जब किडनी ही खराब होगी, रेगुलेटर ही खराब हो गया, तो आपका बीपी तो बढ़ते ही चला जाएगा। सिर्फ एक किडनी की बीमारी है जहाँ बीपी इतना हाई देखा जाता है, 220 और 120, ये बहुत नीचे का 120 200 ऊपर का, तो ये दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रही। लेकिन जब हम आपकी किडनी का इलाज करेंगे, किडनी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, किडनी की बीमारी केवल किडनी में नहीं है बल्कि इसने पूरे शरीर को बीमार कर रखा है। जब हम इलाज पूरे शरीर का एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग, मन शरीर और जीवन शक्ति को एक साथ लेके, एक पेशेंट एज ए होल, सिर्फ किडनी को नहीं पूरे पेशेंट एज ए होल लेके हमें इलाज करना है, तो ये हीलिंग डायनामाइट की गोलियां आपके किडनी में नई कोशिकाओं को जन्म देंगी। जो नेफ्रॉन्स खराब हो गए हैं, जो छलनियां खराब हो गई हैं, उसके अंदर हज़ारों सेल्स हैं, वो उनको नए सेल्स का निर्माण हमने करना है। आपने बताया कि आपको खून बढ़ाने के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इंजेक्शंस खून बढ़ाते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि खून बढ़ाने के साथ साथ मैंने हज़ारों केसेस में ये भी स्टडी किया कि इससे क्रिएटिनिन यूरिया लेवल भी बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी पेशेंट अपने हिस्ट्री में देख सकता है कि जब इंजेक्शन लगने शुरू हुए तो उसके क्रिएटिनिन यूरिया लेवल्स क्या थे, और जब जब इंजेक्शन लगाया गया धीरे धीरे HB बढ़ा 10%, लेकिन उसके साथ साथ क्रिएटिनिन यूरिया लेवल भी बढ़ते चले गए। ये इंजेक्शन सेफ नहीं है, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है राधे श्याम जी, हम आपका इलाज ज़रूर करेंगे, आपको डायलिसिस से ज़रूर निकाल लाएंगे। ये सब बातें मैं अपने एक्सपीरियंस जो मुझे दूसरे पेशेंट्स के अंदर मिला है उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका शरीर, आपका मन को स्वस्थ किया जाएगा। आप बहुत छोटी सी उम्र के हैं, शायद आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, अभी आपको बहुत जिम्मेवारियाँ निभानी हैं। होम्योपैथी आपके लिए नवजीवन की एक नई राह, एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ लेके, जोश के साथ आपका इलाज करेगी और आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, और हमें पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और जो भी आपको उपचार बताए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बताया जा रहा है कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं, आप जल्दी से इस इलाज को करवाने वाले हैं। नंबर्स आपके सामने हैं दर्शकों, अगर आप भी इसी इलाज को चाहते हैं करवाना, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी होंगी, आपको अपने आप को दिखाना होगा, उसी के बाद आपको बताया जाएगा आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। नंबर्स आपके सामने हैं, कॉल कर सकते हैं। आप सभी से चाहेंगे आप इजाज़त, जाने से पहले हर बार की डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, नमस्कार। 2009 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, किडनी की प्रॉब्लम हुई, मैं मोहाली में मेरे को स्टन डले और 5 बार डायलिसिस हुआ। 2014 में अगेन मार्च के महीने में 4 डायलिसिस हुए। उसके बाद मैंने डॉक्टर दिनेश मोहन होम्योपैथिक अम्बाला से इलाज शुरू करवाया। 1 महीने के अंदर इन्होंने डायलिसिस बंद कर दिए, और इनकी मेडिसिन देने में बहुत ईजी है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। मोहन होम्यो क्लिनिक्स में किडनी रोगों के साथ साथ हृदय रोगों का भी सफल इलाज किया जाता है। अब दिल की बंद नलियों को बिना ऑपरेशन खोला जा सकता है। बाईपास सर्जरी से बचें, हृदय के खराब वॉल्व का बिना ऑपरेशन इलाज, नब्ज की कमी, पेसमेकर की आवश्यकता नहीं, हृदय के सुराख का सफल इलाज। हमारा पता है मोहन होम्यो क्लिनिक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, अम्बाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 0171-2511-118, 0981-2055-118। हमारा ईमेल एड्रेस है mohanhomeo@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.kidneyhealing.com।